गौर से देखिए इस बच्चे को, क्योंकि आज हम इसी शैतान बच्चे के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए अपने सीट बेल्ट बांध लेते हैं और अतीत की सैर पर चलते हैं। 20 अप्रैल 1890 को ऑस्ट्रिया के ब्रनाओ में अडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। हिटलर के पिता का नाम अलोइस हिटलर था तथा उसकी माता का नाम क्लारा था। अलोइस ने 3 शादियां की थी। पहले क्लारा अलोइस के यहाँ नौकरानी होती है, परंतु अपनी दूसरी पत्नी से तलाक के बाद अलोइस अपने से 23 साल छोटी क्लारा से शादी कर लेता है। हिटलर का बचपन कुछ खास खुशहाली में नहीं बीता था। उसके पिता उसे छोटी छोटी बातों के लिए शराब पीकर जीभ भरकर पीटा करते, परंतु उसकी माता उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। हिटलर भी अपनी माता से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब हिटलर 11 साल का था तो उसका छोटा भाई एडमंड बीमारी के कारण मर गया। हिटलर इस घटना से डिप्रेशन में चला गया। वो अपने छोटे भाई की कब्र पर रात को जाता और चिल्ला चिल्ला कर उससे बातें किया करता। हिटलर चर्च में कोयर ग्रुप का मेंबर हुआ करता तथा बड़े होकर भी पादरी ही बनना चाहता था। इसी चर्च में हिटलर को एक चिन्ह दिखा, हाकेन क्रूस यानी हुक क्रॉस। आगे जाके इसी सिंबल को उसने नाजी पार्टी का सिंबल बनाया। इसका हिंदू जैन स्वास्तिक से कोई लेना देना नहीं है। हिटलर अपनी भाई की मौत का ही सदमा नहीं झेल पाया था कि जब हिटलर 14 साल का हुआ तो उसके पिता भी चल बसे। हाई स्कूल में पहुंचते ही हिटलर ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी रुचि पेंटिंग्स की ओर बढ़ गई तथा वो आर्टिस्ट बनने का स्वप्न देखने लगा। वह अपनी माँ से कहा करता था कि एक दिन वो यूरोप का सबसे महान आर्टिस्ट बनेगा। इसीलिए वो वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का एंट्रेंस एग्जाम देता है, पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है ये कह के कि उसमें इमेजिनेशन की कमी है। हिटलर बहुत निराश हो जाता है। तभी हिटलर की माँ की भी ब्रेस्ट कैंसर से मौत हो जाती है। हिटलर ने अपनी माँ की तस्वीर पूरी जिंदगी अपने पास रखी। हिटलर केवल 18 साल का था और उसके करीबी लोग उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे, जिससे वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। हिटलर फिर से एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का एग्जाम देता है, पर उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये जो पेंटिंग्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हिटलर द्वारा ही बनाई गई है। सिलेक्शन तो हो जाना चाहिए था। मुझे तो ये पेंटिंग्स काफी बढ़िया लगी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताइएगा। खैर, हिटलर बिल्कुल अकेला हो गया। वो डिप्रेशन में चला गया। वो एक हॉस्टल में रहने लगा जहाँ उसी की तरह कई होमलेस लोग रहा करते। हॉस्टल का माहौल काफी डिप्रेसिंग था। वो एक बंजारा बन गया जो मजदूरी करके और अपनी पेंटिंग्स बेचकर 2 पैसे कमाता था। परंतु अब कुछ ऐसा होने वाला था जिससे हिटलर की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाने वाली थी। हिटलर में पहले से ही जर्मन राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा होता है। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है तो हिटलर भी सेना में भर्ती हो जाता है। युद्ध के दौरान हिटलर को मैसेंजर का काम मिला। वो गोली और बमों की बरसात के बीच से होते हुए दौड़ दौड़ कर इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, जो कि बेहद ही खतरों से भरा काम था। इसलिए हिटलर को आयरन क्रॉस सेकंड क्लास से नवाजा गया। हिटलर यहीं नहीं रुका। 1918 में हिटलर पिस्तौल लेकर 5 फ्रेंच सोल्जर्स को जिंदा पकड़ लेता है। इसी बहादुरी के कारण उसे आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा गया। हैरानी की बात तो ये है कि हिटलर को आयरन क्रॉस के लिए नॉमिनेट एक यहूदी ऑफिसर ने ही किया था और उसकी खूब तारीफें की। युद्ध में हिटलर ने कई कठिनाइयां झेली। वो कई बार घायल हुआ। यहां तक कि एक बार तो हिटलर ब्रिटिशर्स द्वारा छोड़ी गई मस्टर्ड गैस से कुछ समय के लिए अंधा भी हो गया। और 1 सितंबर 1918 को तो वो मरते मरते बचा। वह बहुत ज्यादा घायल था। वो इतना घायल था कि अपनी बंदूक भी नहीं उठा पा रहा था। तभी अचानक से हेनरी नाम के एक ब्रिटिश सैनिक ने उस पर बंदूक तान ली। हिटलर को मानो मौत दिख ही रही थी। हेनरी ट्रिगर दबाने ही वाला था कि उसको हिटलर की घायल अवस्था पर दया आ गई और वो हिटलर को जिंदा छोड़ देता है। हिटलर भी उसे थैंक यू बोलकर वहां से भाग जाता है। हेनरी को पता भी नहीं था कि उसकी इस दरिया दिली की वजह से आगे क्या होने वाला है। परंतु हिटलर पहली बार मरते मरते नहीं बचा। जब वह 4 साल का था तब वह नदी में डूब रहा था, पर एक पादरी ने जाकर उसकी जान बचा ली। मानो नियति को दूसरा विश्व युद्ध ही मंजूर था। जर्मनी सरेंडर कर देता है और प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। विजेता देशों ने जर्मनी को युद्ध का कारण ठहराया और 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्साय साइन की गई, जिसमें जर्मनी का विजेताओं द्वारा शोषण हुआ। जर्मनी के कई सारे इलाके जैसे राइनलैंड, अल्सेस, लोरेन आदि उससे छीन लिए गए। $33 अरब हर्जाने के रूप में मांगे गए, जो आज के हिसाब से $393 अरब के बराबर है, यानी लगभग 28,510 अरब भारतीय रुपए, जो कि बहुत ज्यादा था। ये ट्रीटी ऑफ वर्साय के टर्म्स हैं। अगर आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। युद्ध के बाद हर जगह कम्युनिस्टों द्वारा तख्ता पलट की कोशिश तथा कई प्रदर्शन होने लगे। जब हिटलर को पता चला कि जर्मनी हार गया है तो वो गहरे सदमे में चला गया। उसके अनुसार जर्मनी युद्ध भूमि में नहीं बल्कि यहूदी और कम्युनिस्टों की गद्दारी के कारण हारा है। इसी दौरान हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी की एक मीटिंग अटेंड कर लेता है, जो कि यहूदियों के सख्त खिलाफ थे। अब चूंकि हिटलर को अपने जैसे लोग मिल गए थे,
तो वो जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर लेता है। हिटलर इस पार्टी का मात्र 55वां मेंबर था। वो अपनी बोलने की कला से और ज्यादा लोगों को पार्टी ज्वाइन करवा लेता है तथा वो एक जाना माना नाम बन जाता है। हिटलर को जर्मन वर्कर्स पार्टी का हेड बना दिया जाता है तथा हिटलर एक पैरामिलिट्री फोर्स भी बनाता है जिसे ऐसे ब्राउन शर्ट्स या स्टॉर्म ट्रूपर्स आदि नामों से जाना गया। ऐसे और एसएस में कंफ्यूज मत होइएगा। फिर आगे जाके यही जर्मन वर्कर्स पार्टी, जी हाँ आपने सही सोचा, नाजी पार्टी कहलाने वाली थी। जर्मनी में बेरोजगारी बढ़ रही थी जिस कारण तत्कालीन सरकार ने दबा के करेंसी नोट छापना शुरू कर दिया जिससे जर्मन करेंसी की वैल्यू ऐसी गिरी कि एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए लोग ट्रक भर के नोट ले जाया करते। इससे पहले एक ब्रेड का पैकेट 107 जर्मन मार्क का आता था परंतु अब 20,000 करोड़ मार्क्स का मिलने लगा। एक अमरीकी डॉलर की कीमत 4,00,000 करोड़ मार्क हो गई। लोग गर्मी से बचने के लिए नोट्स को जलाने लगे तथा बच्चे नोटों को काट काट कर पतंग बनाने लगे। हालात बद से बदतर हो गए। अब हिटलर को लगा कि ताकत के दम पर सत्ता हथियाने का यही अच्छा मौका है। नवंबर 9, 1923 को हिटलर अपने वफादारों के साथ म्यूनिख के बियर हॉल पर हमला कर देता है पर पुलिस पहले से ही तैयार थी और उन्होंने नाजियों पर फायर शुरू कर दिया। इस मुठभेड़ में 4 पुलिस वाले तथा 14 नाजी मारे गए। हिटलर को भी बाजू पर गोली लगी और वह घायल हो गया। इस घटना को बियर हॉल पुश के नाम से जाना जाता है। इस पेंटिंग को देखिए, इसमें हिटलर निडरता से सबसे आगे खड़ा हुआ है। ये पेंटिंग हिटलर की दिलेरी को दिखाने के लिए है पर यह एक सिर्फ नाजी प्रोपेगेंडा है क्योंकि असल में हिटलर अपने बॉडीगार्ड के पीछे खड़ा था जो कि शूटिंग के दौरान मारा गया। खैर, हिटलर की बगावत फेल हो गई। हिटलर पर देशद्रोह का केस चलाया गया। You have been accused of high treason and called an enemy of the state. परंतु हिटलर ने अपने बोलने की कला से जजों को मोहित कर लिया। If I am guilty of anything, then I am guilty of fighting to defend the rights of the German people. और उसे केवल 5 साल की सजा सुनाई गई जिसे बाद में कम करके 9 महीने कर दिया गया। जेल में हिटलर ने अपनी कुख्यात ऑटोबायोग्राफी माइन कैम्फ लिखी, यानी मेरा संघर्ष। पुछ के बाद हिटलर को समझ आ गया कि उसे सत्ता क्रांति से नहीं बल्कि शांति से मिलेगी। इसलिए उसने 1928 में चुनाव लड़ा परंतु हिटलर को केवल 647 में से 12 सीटें ही मिली। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे हिटलर की किस्मत चमक गई। मौजूदा सरकार ने देश के आर्थिक हालात ठीक कर ही दिए थे परंतु 1929 में अमेरिका में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और ग्रेट डिप्रेशन भी आ गया जिस कारण अमेरिका ने जर्मनी को दिए हुए लोन्स वापस ले लिए। फलस्वरूप जर्मनी में कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, 61,00,000 वर्कर्स बेरोजगार हो गए। हिटलर ने इसी चीज का फायदा उठाया और जनता को अपनी स्पीचेस से बरगलाना शुरू कर दिया जिसका फायदा उसे मिला भी। 1930 इलेक्शंस में हिटलर ने 107 सीटें जीती परंतु किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं निकला। फिर जुलाई 1932 में फिर इलेक्शंस हुए। इस बार नाजी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई और हिटलर ने 230 सीटें जीती परंतु बहुमत किसी का नहीं आया। ऐसे ही इलेक्शन होते रहे पर बहुमत किसी का भी नहीं आ रहा था और मौजूदा सरकार भी देश के बिगड़ते हालात ठीक नहीं कर पा रही थी। परंतु फिर अचानक से प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। मार्च में हिटलर फिर इलेक्शन करवाने वाला था परंतु एक 24 साल कम्युनिस्ट ने जर्मन पार्लियामेंट में आग लगा दी। आग तो पार्लियामेंट में लगी पर फायदा हिटलर को हुआ। हिटलर ने लोगों को और भड़काना शुरू किया और मार्च 1933 को हिटलर ने 288 सीटें जीत ली। अब हिटलर ने खुद को एक डिक्टेटर घोषित कर दिया, सारी विरोधी पार्टियों को अवैध घोषित कर उनमें पाबंदी लगा दी। 1934 में हिटलर ने खुद को फ्यूरर घोषित कर दिया, यानी दी सुप्रीम लीडर, तथा 17 से 25 साल के उम्र के लड़कों के लिए फौज ज्वाइन करना कंपलसरी कर दिया। हिटलर के पास ताकत तो आ चुकी थी परंतु अब उसे अपने सारे विरोधियों को मिटाना था। हिटलर की ऐसे ने उसके पॉलिटिकल अपोनेंट्स को मारना शुरू कर दिया। जो भी नाजियों का विरोध करता उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता। परंतु ये तो केवल शुरुआत थी, लंबे चाकुओं की रात तो अभी आने वाली थी। सेगा चीफ अंस रोम था जो कि हिटलर का बेहद करीबी था परंतु जर्मन आर्मी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि ऐसे की संख्या 30,00,000 थी और आर्मी की केवल 1,00,000। आर्मी को डर था कि रोम आर्मी को खत्म करके उन्हें ऐसे में मिला लेगा। वहीं दूसरी ओर हिटलर को भी डर था कि रोम ऐसे की मदद से कहीं उसी का ही तख्ता ना पलट दे। हिटलर ने रोम को मारने का प्लान बनाया। उसने रोम सहित कई सीनियर ऐसे ऑफिसर्स को मीटिंग के लिए एक होटल में बुलाया और 30 जून 1934 की सुबह हिटलर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ होटल में घुसा और सबको अरेस्ट कर लिया। अगले ही दिन अंस रोम और लगभग 200 से ज्यादा ऐसे ऑफिसर्स को कत्ल कर दिया गया। जब इतना कत्लेआम चल रहा था तब हिटलर टी पार्टी कर रहा था। हिटलर के बॉडीगार्ड्स पूर्व चांसलर कुर्ट वॉन श्नाइडर के घर गए और उसे गोलियों से भून दिया। गुस्टाव वॉन कार को कुल्हाड़ी से काट दिया। यह हत्याकांड पूरे 4 दिन तक चला। हिटलर की खुफिया पुलिस गस्टापो ने जर्मनी के हर कोने से हिटलर के दुश्मनों को कत्ल कर दिया। यहां तक कि इस कत्लेआम में गलती से हिटलर के पक्के वफादार भी मारे गए।
इस घटना को दुनिया दी नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स के नाम से जानती है, जिसमें हिटलर ने 700 से हजार लोगों की हत्या कर दी। हालांकि कई इतिहासकारों का यह भी कहना है कि मरने वालों की संख्या हजार से भी ज्यादा थी। सत्ता में आने के बाद हिटलर ने पब्लिक वर्क्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, जैसे हाईवेज आदि। हिटलर ने दबाकर हथियारों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, जिससे बेरोजगारी भी दूर हो गई। हर जगह हिटलर की वाह वाह होने लगी। उसने ट्रीटी ऑफ वर्साय की धज्जियां उड़ाते हुए एक बड़ी फौज तैयार कर ली। उसने ट्रीटी ऑफ वर्साय के तहत जर्मनी से छीने गए इलाकों पर वापस कब्जा कर लिया। हिटलर ने ऑस्ट्रिया, राइनलैंड, सुडेटनलैंड, चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। अब हिटलर की नजर पोलैंड पर थी, क्योंकि जर्मनी का कुछ हिस्सा पोलैंड के पास भी था। ब्रिटेन और फ्रांस उस पर युद्ध का ऐलान न कर दे, इसलिए उसने सोवियत यूनियन के साथ नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन कर लिया। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने अपने 15 लाख सैनिकों के साथ पोलैंड पर हमला कर दिया, तथा द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो वहीं पूरब से सोवियत यूनियन ने भी पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड धराशाही हो गया। अब यहूदियों को निशाना बनाना शुरू हो गया, उन्हें डेथ कैंप्स में डाल मारना शुरू कर दिया। 1945 तक लगभग 60 लाख यहूदी हिटलर द्वारा मार दिए गए। यहूदियों के अलावा बड़ी संख्या में रोमानी जिप्सियों का भी कत्ल किया गया। कुछ ही समय में जर्मन सेना ने डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, फ्रांस, ग्रीस, यूक्रेन आदि पर कब्जा कर लिया। हिटलर ने लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया। परंतु फिर हिटलर के यहाँ तेल और रॉ मटेरियल्स की कमी होने लगी और जर्मन हारने लगे। इसी बीच हिटलर को उसी के अपनों ने बॉम्ब से उड़ाने का प्लान किया। कर्नल स्टॉफनबर्ग नामक ऑफिसर हिटलर के यहाँ एक मीटिंग में गया और बॉम्ब से भरा ब्रीफकेस वहीं छोड़कर खुद कमरे के बाहर चला गया। कुछ देर बाद बॉम्ब फटा, जिसमें 4 नाज़ियों की मृत्यु हो गई। पर हिटलर बच गया। इसे 20 जुलाई प्लॉट या ऑपरेशन वल्काइरी के नाम से जाना जाता है। खैर, अब एलाइज बर्लिन की ओर बढ़ने लगे और हिटलर की हार पे हार होने लगी। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी मिस्ट्रेस ईवा के साथ आत्महत्या कर ली।